नमस्कार, मैं शुभ्रा द डेली टाइट से। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह AVSM, VSM, TG, NCC ने अपने कार्यभार संभालने के पहले ही महीने में NCC डायरेक्टरेट बिहार तथा झारखंड एवं NCC ग्रुप निदेशालय पटना का दौरा किया। DG NCC ने चल रहे NCC कैंप का निरीक्षण किया तथा इस मौके पर NCC कैडेटों द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के प्रति भूत कुछ कविता पाठन, नुक्कड़ नाटक तथा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। डायरेक्टर जनरल NCC का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षा मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है जो कि NCC शिक्षण एवं पाठ्यक्रम के स्केल, नवाचार, इकोनॉमी, नए तलचिन तथा क्षितिज निर्धारित करना, NCC में लड़कियों की प्रतिभागिता को बढ़ाना, अतः NCC कैडेटों के कॉरपोरेट, खेलकूद व अन्य क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाना जैसे बिंदुओं पर काम कर रही है। इस मौके पर बिहार तथा झारखंड NCC निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल M. इंद्रबालन, NCC ग्रुप हेडक्वार्टर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर कुणाल कश्यप तथा अन्य सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सबको खुद में समा लेना मेरी अदा जिंदगी। जय 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 बांग्ला, बचाओ 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 बचाओ। ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया जिसका अगुआ था रूर जनरल टिक्का खान। उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। पाकिस्तानी सेनाओं ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। और उसी कारण ये देखा जा रहा है आजकल जहाँ भी कोई कठिनाई आती है तो NCC कैडेट एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए उनकी तरफ देखा जाता है और वहाँ NCC मदद के लिए आती है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इस ट्रेनिंग को आप अच्छी तरह से करें। इस ट्रेनिंग को करने के लिए आपको जो सहायता चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो सहूलियत चाहिए वो आपको दी जाएगी। बट आप ट्रेनिंग को अच्छी तरह से कीजिए ताकि आगे चल के ये देश मजबूत हो सके और जो यूनिफॉर्म हम ये पहन रहे हैं हमको इसके ऊपर गर्व है। NCC को ग्रोथ करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे कभी कभी कठिनाई भी होती है, आखिर क्या अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपको पता होगा कि हाई लेवल कमेटी बनाई गई है सरकार ने देखने के लिए को NCC को हम और बेहतर और इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। वो तो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और सरकार के उद्देश्य के अनुसार कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में NCC की ग्रोथ हुई है बॉर्डर एरिया में, कोस्टल एरिया में, तो NCC की वैकेंसीज बढ़ाई गई हैं और आगे चल के भी ये उम्मीद है कि NCC की वैकेंसी और बढ़ी जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें द डेली टाइप से।